बताया जाए पूरा एप्रेन चश्मा और मास्क लगाकर आप लोग ड्यूटी कर रहे हैं अस्पताल में, जो मरीज यहाँ पर कई तरीके के आते हैं तो कितना भी फिलहाल परेशानी हो, क्योंकि यहाँ तो पता नहीं होता है कितने कौन से मरीज आ रहे हैं। देखिए, ये सदर अस्पताल आरा जो है सो डिस्ट्रिक्ट का ये एकमात्र हॉस्पिटल है जहाँ से जितने भी पेरीफेरी से मरीज हैं, इवन बहुत सारे ऐसे मरीज होते हैं जो सिर्फ सर्दी खांसी लेकर और बुखार ले कर आते हैं, वो उनको भी लगता है कि कहीं ना कहीं वो ऐसा तो नहीं कि हमको कोरोना वायरस का सिम्टम है, तो वो यहाँ पर आ जाते हैं। जबकि बहुत सारा ऐसा मरीज़ है जिसको सिंपल कॉमन कोल्ड रहता है, उसको हम लोग बारीकी से देखते हैं, यदि जरा सा भी कुछ सिम्टम्स ऐसा लगता है चाहे हिस्ट्री लेकर के हम लोग देखते हैं, यदि ऐसा उसमें होता है तो हम लोग स्पेशल क्वारंटाइन वार्ड बनाए हुए हैं, उसमें हम लोग उनको एडवाइस करते हैं। लेकिन सर बहुत ज़्यादा मरीज आ रहे हैं, आप लोग को पूरा एहतियात के तौर पर यहाँ ड्रेस दिया गया है, एप्रन दिया गया है, तो आप लोगों को भी सुरक्षा के हिसाब से तो काफ़ी एहतियात बरतना पड़ रहा है। हाँ, एक तो यह एक ऐसा बीमारी है जिसमें सभी लोगों को, जो भी लोग हैं उनको इस बीमारी से बचने की ज़रूरत है। इस बीमारी में दिक्कत क्या है कि ये आपको या स्नीजिंग करता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, उससे ये बीमारी होता है। तो कोई भी ऐसा आदमी जो उस तरह का सिम्टम्स है और वो छींकेगा या कुछ भी करेगा और दूसरा आदमी पर चला, इवन यदि कुछ टच भी करता है मेटल उटल। सर, इमरजेंसी में काफ़ी लोड पड़ गया है, ओपीडी फिलहाल बहुत कम ही चल रहा था, अभी इमरजेंसी में काफ़ी भीड़ देखने को मिला, तो यहाँ तो गैदर करना नहीं है लेकिन फिर भी भीड़ बढ़ रहा है। लेकिन हम लोग समझा भी रहे पब्लिक को, लेकिन ये लोग समझते नहीं है। एक मरीज के पीछे पाँच पाँच लोग, जैसे अभी भी आप बगल में देख रहे हैं कि पाँच लोग ऐसे अननेसेसरी खड़े हो जाते हैं, जबकि एक मरीज को में एक साथ आना चाहिए, चार से ज़्यादा गैदरिंग होगा और डिस्टेंस कम से कम एटलीस्ट 2 मीटर का चाहिए, यदि इससे कम रहेगा तो लोग आपस में ही फैलेंगे। ये पब्लिक को हम लोग अवेयर भी करते हैं और करना चाहिए कि उन लोगों को भी समझ में आए कि इस बारे में क्या। अपना परिचय बता दिया सर। डॉक्टर राजमेहर यादव।